चलिए रुख खबरों की ओर करते हैं। अखिल भारतीय सिरबी महासभा का आओ मिलकर आगे बढ़े प्रांतीय व्यापार उद्योग और रोजगार सम्मेलन इंदौर के सुपकारज गार्डन में संपन्न हुआ है। विभिन्न राज्यों और पूरे मध्य प्रदेश से पधारे समाज के व्यापारी उद्योगपतियों एवं वरिष्ठ जन, जिसमें हरीश मुलेवा बेंगलोर, रमेश चौधरी मांगीलाल मुलेवा, जीवाराम चोयल पूना और हेमाराम सैंडचा कर्नाटक आदि ने युवाओं को मार्गदर्शन दिया है। प्रांतीय स्तरीय सामाजिक कार्यक्रम में समाज के व्यापारियों और उद्योगपतियों ने एक दूसरे से अपना अनुभव साझा किया। दरअसल इस सम्मेलन के माध्यम से 20 से ज्यादा उद्योगों के स्टॉल लगाए गए थे, जिसमें युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद देने एवं प्रशिक्षण देने पर भी चर्चा हुई। सम्मेलन में प्रदेश एवं देश के विभिन्न राज्यों से पधारे सफलतम उद्योगपति और व्यापार जगत के जाने माने गौरव पुष्पों ने अपनी कड़ी मेहनत व परिश्रम से अर्जित सफलता के अनुभव व सुझाव साझा किए। इस अवसर पर सिरवी कारोबार जगत डायरेक्टरी का मंचासीन अतिथियों ने विमोचन किया। हमारा प्रथम सम्मेलन है जिसमें हमने नए युवाओं को उद्योग और रोजगार देने के लिए यहाँ पे आमंत्रित किया है और ये हमारा पहला प्रयास है। हमारी पूरी कोशिश है कि हम हर ऐसा कार्यक्रम करते रहेंगे और हमारे समाज के जितने भी युवा उद्योग है उनको, बच्चों को, सबको हम रोजगार और उद्योग कराते रहेंगे। सर यहाँ पे 20 से 25 उद्योग हैं, सब अलग अलग हैं और सब अपने अपने उद्योग लेके आए हैं और सब अपने बच्चों को जो भी देंगे राय उसके हिसाब से वो अपने अपने उद्योग खोलने के लिए वो राय देंगे और रोजगार के लिए भी जिनको जो जिनके पास पूंजी कम है, जो रोजगार नहीं कर सकते, जो अपना उद्योग नहीं खोल सकते, उनको रोजगार देने के हमारे समाज की तरफ से हमारे पूरे प्रयास करेंगे। आज रोज यहाँ पर अखिल भारतीय सिरबी महासभा मध्य प्रदेश के बैनर तले ये जो सम्मेलन बुलाया गया है व्यापार उद्योग और रोजगार, तो काफ़ी अच्छे सोच के साथ में बड़ी संख्या में लोग यहाँ पधारे हैं और सभी लोगों को एक मंच यहाँ पर दिया है हमारे यहाँ के प्रांतीय अध्यक्ष जी ने और उनके सभी पूरी टीम ने। तो इससे एक दूसरे का मिलना हो रहा है, एक दूसरे के कांटेक्ट नंबर आ रहे हैं। इससे आज इस सम्मेलन में काफ़ी पूरे भारत से, मतलब वहाँ से बेंगलोर से कुछ लोग आए हैं, पूना से आए हैं, महाराष्ट्र से आए हैं, काफ़ी जगह से लोग आए हैं यहाँ पर और एक दूसरे के परिचय कर रहे हैं, एक दूसरे से जानकारी ले रहे हैं, एक दूसरे का कांटेक्ट नंबर ले रहे हैं कि व्यापार में कौन सा आदमी कब काम आ जाएगा। तो ये जो आज का आयोजन है काफ़ी सोच विचार के किया हुआ है, काफ़ी संख्या में लोग आए हैं, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और इसका आगे ऐसे सम्मेलन होते रहे ऐसी मैं कामना करता हूँ। हम लोग भी पूना से आए हैं और मेरा हम लोग एक छोटे से किराना दुकान से शुरुआत करके उसके बाद लोगों ने मेडिकल लाइन शुरू किया, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन लाइन में काम शुरू किया। आज मेरे पास में हमने 10,000 घर बनाए हैं और मेरे पास में 200-250 आदमी रोज के काम करते हैं, रोजगार दिया हमने। तो एक उससे लोगों को प्रेरणा मिलती है, संघर्ष करना पड़ता है और सफलता मिलती है संघर्ष करने वाले को, इतना ही कहकर। नहीं, इससे इस सम्मेलन से जो नए युवा है उनको बहुत प्रेरणा मिलेगी और ये जो बैठे हमारे मंच पर और इन्होंने कैसे ने पहले नौकर बने, नौकर बनने के बाद में नौकर बन के उनका अनुभव लिया और अनुभव से फिर अपना व्यवसाय शुरू किया, आज करोड़ों का टर्नओवर इनका है। और हम ये चाहते हैं कि हमारा जो समाज है कृषि प्रधान समाज है, इसीलिए बहुत पिछड़ा हुआ था। हम चाहते हैं कि समाज या देश की मुख्य धारा से जुड़े और कब जुड़ेंगे, जब ये कृषि के साथ में व्यापार से जुड़ेंगे और जब हमारा समाज बहुत मेहनतशील है, ईमानदार है और इसीलिए अगर वो जिस भी काम में हाथ डालता है तो उसकी ईमानदारी और मेहनत काम आती है और वो आगे बढ़ जाता है। बहुत अच्छा एक प्रयास है हमारी महासभा की ओर से, जो प्रयास है बहुत सुंदर सराहनीय प्रयास है। लेकिन मैं सबसे पहले कहूँगा कि हमारे सिरबी समाज के लोग प्रशासनिक अधिकारियों में बिल्कुल नहीं है यहाँ, तो सबसे पहले तो प्रशासनिक IAS बनकर के प्रशासनिक अधिकारी बने ताकि देश की और आम जनता की और समाज की बहुत बेहतर तरीके से सेवा कर सके। अखिल भारतीय सिरबी महासभा मध्य प्रदेश के द्वारा क्षत्रिय सिरबी समाज का ये व्यापारिक सम्मेलन होने जा रहा है। हमारा समाज, हमारा जो पितृक व्यवसाय है वो कृषि है, उस
आज के नए युग के हिसाब से कृषि के क्षेत्र के साथ साथ व्यापार में भी हम आगे कैसे बढ़े, उसी उद्देश्य को लेके इस आयोजन का हमने करा है, ताकि हमारे आने वाली जो भी युवा पीढ़ी है उनको कृषि के साथ साथ व्यापार में भी उनको व्यापार करने का एक अच्छा अवसर प्रदान हो। श्री महासभा द्वारा मध्य प्रदेश द्वारा आज प्रांत स्तरीय व्यापार उद्योग एवं रोजगार सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसमें पूरे प्रदेश के हमारे व्यापारियों उद्योगपतियों को हम लोगों ने यहाँ बुलाया है। उसके पीछे संगठन का उद्देश्य ये है कि जो सफल व्यवसायी है समाज के, वो उन लोगों का सहयोग करे, उनको मार्गदर्शित करे जिनको कोई नया काम करना है, कोई व्यापार में आगे बढ़ाना है। साथ ही हमने पूरे प्रदेश के व्यापारियों को एक माला में पिरोया है, जिससे कि वे आपस में व्यापार कर सके, ग्रुप में यूनिट बना के कोई बड़ा काम प्रदेश के बाहर देश के बाहर कर सके। इसमें हम लोगों ने रोजगार संबंधी भी काम किया है। हमारे जो युवा हैं जिनके पास रोजगार नहीं है उनकी जानकारी भी बुलाई हम लोगों ने, और उस जानकारी को हम लोग देंगे हमारे उद्योगपतियों को, ताकि उनको उनकी योग्यता के अनुसार काम मिल सके। पूरे प्रदेश के लोग आए हैं, कम से कम 600 गांवों के लोग यहां पर है और 12 जिले के लोग यहां पर उपस्थित हैं आज की स्थिति में, और 1200 लोग हैं। मैं CA भगवान लच्छेटा, प्रांतीय अध्यक्ष अखिल भारतीय श्री महासभा मध्य प्रदेश।